अस्सलाम वालेकुम। DHT कराची की तरफ से बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि वैली के तकरीबन 12,125 गज़ के प्लॉट्स और तकरीबन 1300 के करीब 200 गज़ के प्लॉट्स की बैलेटिंग हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कल DHA के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो बैलेटिंग हो चुकी है। तकरीबन यहाँ पे समझा जाए कि 13 CDE तक यहाँ पे सेक्टर्स आए हैं, उसके बाद यहाँ पे 6 के आए हैं, 6 EFG, उसके बाद बात की जाए 9 की तो 9E, उसके बाद 12 की बात की जाए तो 12 E, और फिर उसके बाद 12 G, उसके बाद हम और आगे चलें तो उसके बाद हमारे पास 13 F तक के भी सेक्टर्स यहाँ नए लॉन्च हो चुके हैं। 125 गज़ की जो सबसे अच्छा सेक्टर काउंट किया जा रहा है वो 13 3C और 3D का है, जो कि 125 गज़ तकरीबन यहाँ पे देखा जाए अप्रॉक्स 35 लाख तक का रेट होगा, और जो 6 का रेट है वो तकरीबन 32 लाख रुपए है, 9 का रेट है जो 31 लाख रुपए है, और तकरीबन 12 का 30 लाख तक रेट होना चाहिए, और 13F का तकरीबन 28 से 29 लाख का रेट होना चाहिए। आज के बाज़ार में सही वैल्यूएशन का इंतज़ार हम 2 से 3 दिन में करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बात की गई कि मैं ये फॉलो करूँगा कि मार्केट को बढ़ाया जाएगा, मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाया जाएगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि इस बाज़ार में जहां IMF से है हमारे मामला तय नहीं हो पा रहे, ऐसी कंडीशन में हम DHA की मार्केट को ऊपर ले जाएं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनको प्लॉट बेचे जाएं, ये उस तरह की मार्केट नहीं है। एक लूपहोल रह गया है मार्केट में जिसे एक बटन की दूरी पर एडमिनिस्ट्रेटर को काम कर लेना चाहिए, जिसका सवाल मैंने भरी महफिल में उठाया कि आपको किसी भी हालत में इसका मैप देना पड़ेगा। DHA वैली का मैप आएगा तो ही चीज़ें क्लियर होंगी, जो कि अभी तक DHA वैली का मैप नहीं आया है। DHA वैली का मैप आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें कंडीशन सीधी हो जाएंगी, साफ सुथरी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से मौलवी हज़रात और बहुत से ऐसे उलमा हज़रात मना करते हैं कि किसी चीज़ की भी डायरेक्शन नहीं आई हुई, किसी भी चीज़ की लोकेशन नहीं आई हुई, तो वो हमने चीज़ परचेज़ करने के बाद सेल नहीं करनी। अब ऐसी कंडीशन में मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट क्रैक कैसे कर रहे हैं, भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 2-2.5 लाख रुपए कमाने के चक्कर में फाइल्स परचेज की थी, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे ट्रांसफरी सेलर्स आएंगे मार्केट में बेचने के लिए। अगर आपको किसी भी कंडीशन में बेचना ही बेचना है मार्केट में, तो फिर तो आप रेट्स को देखिए, परखिए और बेचिए। अगर आपको लगता है कि मुझे रुकना है 4-6 महीने 8 महीने साल 2008 से आपको लॉन्च हुई फाइल्स हैं, इसको हमें इंतज़ार करके बेचना है, तो फिर वेट कीजिए, क्योंकि 3C 3D वाली फाइलों को, 3E वाली फाइलों को बेचना नहीं बनता। मेरे लिहाज से कम भी इसका रेट 40 लाख बनता है। मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी, 1.5 साल का और वेट है, ये 40 लाख की पक्की फाइल्स हैं। 6E 6G की फाइल का कम से कम भी रेट आज के बाजार में तो कम है, लेकिन जब मार्केट बेहतर हो जाएगी तो इसका रेट कम से कम भी 36 लाख का बनता है। लेकिन आज क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर है, सेलर को रोकने का काम हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का है, वो ब्रोकर्स का नहीं है। जो लोग 2008 से वेट कर रहे हैं उनको किसी ना किसी तरह से समझा बचा के उनको बताना पड़ेगा। एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से कि ये बात बहुत अच्छी थी कि हमारी वेबसाइट हैक नहीं हुई, हमारी वेबसाइट रुकी नहीं, किसी भी जगह पर जर्प नहीं आया, ये उनका कमाल है। और कल की जो एक महफिल थी उसमें ये बात भी क्लियर कर दी गई कि हर प्लॉट के ऊपर मेंबरशिप नहीं होगी। बाल आगे चल के जो भी बात होगी आप अपडेट करूंगा। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू।